तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज सनी मोसले। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका इस अभिपीडिया बैंकिंग के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखो, आपका उम्मीद करता हूँ कि आप अब आपका जो IBPS एसओ लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है ना, उसके मेंस के तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे अभी कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर लॉ ऑफिसर के बारे में थोड़ा बताइए और इसके मेंस की तैयारी हम कहाँ से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। बहुत आसान है। देखो, प्रीलिम्स आपको पता है, आपके पास तीन टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसके बारे में डिस्कशन करना है हमें। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एक्ट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल 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 डिटेल से हम डिस्क्राइब करेंगे। आज एक बहुत अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। और आपको ये भी पता होगा कि इसके प्रीलिम्स में आपके पास मैथ तो आता है, नहीं रीजनिंग आता है, आपके पास इंग्लिश आता है और आपके जनरल अवेयरनेस आता है। उसके भी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किन किन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर एकदम डिटेल में मैं आपको एग्जाम एनालिसिस भी कराऊंगा, इसकी मतलब एग्जाम दिखाऊंगा आपको बेसिकली कैसे है। बट पहले समझिए इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली फिल्म आप अच्छा देखे आए ना, मेन्स इसका आने वाला है। तो मेन्स के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरी बात सुनिए और समझिए। और जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिए गए हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो चलिए चलते हैं फिर आज की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। लॉ ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करूं, तीन स्टेजेस हैं जैसे कि मैं बात कर रहा था, ठीक है। तीन स्टेजेस हैं इसके। IBPS लॉ ऑफिसर एग्जाम 2024 की बात करें तो, ठीक है, लॉ ऑफिसर एग्जाम इज कंडक्टेड इन थ्री स्टेजेस। ईच स्टेज इज क्रूशियल एंड रिक्वायर्स थ्रू थोरो प्रिपरेशन डिटेल। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, देन वी इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपके पास यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर होता है ना, प्रीलिम्स आपके पास क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेंस और इंटरव्यू है जो आपका करियर बिल्ड करेंगे, मतलब जो आपको सब कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अब लॉ ऑफिसर देखो, इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, मैंने प्रीलिम्स की पहली बात की। सबसे पहले क्या आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, देन जनरल अवेयरनेस, देन आपके पास क्या आएगा, इसमें इंग्लिश आती है आपकी। बट रीजनिंग में भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हमें फोकस करना है, जो हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस मैं आपको भी बताने वाला हूँ। चलिए, देखो सबसे पहले पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, पजल बेसिकली क्या है, बच्चे पजल को टॉपिक मानते हैं, बट पजल एक टॉपिक थोड़ी ना, पजल कहीं से भी आ सकता है। आपका सिटिंग अरेंजमेंट का पजल हो सकता है, रैंकिंग ऑर्डरिंग का पजल हो सकता है। तो पजल सिर्फ एक आपके पास कॉन्सेप्ट है जिसमें हम यूज करते हैं बाकी चीज़ों को। तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपके पास इन इक्वालिटीज होगी, सिलॉजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी। अगेन, डेटा सफिशिएंसी आपके पास कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं। बेसिकली डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, एक से दो मिनिमम मैक्सिमम आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, दो आपको स्टेटमेंट दी होंगी और एक आपको प्राइमरी स्टेटमेंट दी होती है। तो बताना होता है कौन सी स्टेटमेंट इसका आंसर दे सकती है, दैट इज व्हाट डेटा सफिशिएंसी। वो टाइम एंड वर्क के केस में पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है अर्थमेटिक किसी टॉपिक को लेके, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस हो गया, एंड आपके पास वर्बल रीजनिंग हो गया। बाकी एक्सेट्रा तो हर जगह होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसके अलावा भी कुछ आ जाए तो डरना मत, तैयारी पूरी रखनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, देन फिर पैराजम्बल्स, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, देखो काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने का मेरे पास, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट वे में बताई गई हैं जो डिटेल में पढ़ने वाली हैं। जैसे पैराजम्बल्स, ठीक है, मतलब आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, उनको सही ऑर्डर में लगाना है कि एक प्रॉपर आपके पास सीक्वेंस बने, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स, अब स्पॉटिंग एरर्स किस वे में आ सकता है, इसका मतलब ग्रामेटिकल नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए स्पॉटिंग एरर्स के केस में, समझ आ गई बात। स्पॉटिंग एरर्स के केस में आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ग्रामर आपकी अच्छी हो जानी चाहिए इसमें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज़ हो रहा है, डेली की रीडिंग, डेली रीडिंग ये इंपॉर्टेंट है। डेली की रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जब पढ़ोगे नहीं तो करोगे कैसे, समझा कि बात। पहले डिटेल में भी बताने वाला, पहले समझ लो इसको। देन वी हैव सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी उसी का पार्ट आ गया। सेंटेंस करेक्शन, ये भी उसी का पार्ट है। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। देन वी हैव क्लोज टेस्ट पैराग्राफ के साथ क्वेश्चंस, देन वी हैव कॉलम बेस्ड स्टेटमेंट रीअरेंजमेंट हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, आपके सेंटेंस बेस्ड एरर्स हो गए हैं, स्पेलिंग एरर्स हो गए हैं, कनेक्टर्स हो गए। तो ये आपके पास बेसिकली इंग्लिश का जो सिलेबस है, मुझे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है बात।
ठीक है, होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, IBPS लॉ ऑफिसर जनरल अवेयरनेस बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में है आपकी बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझ आ गई बात। एक्ट हो गया आपके, बैंकिंग एक्ट हो गए, सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, करंट अफेयर्स। मैंने भी जब इंग्लिश में आपको अभी बता रहा था इंग्लिश सिलेबस, वहाँ पर मैंने डेली रीडिंग की बात की, उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, जहाँ से मैक्सिमम आपके करंट अफेयर्स आएंगे। डेली के अच्छे रीडर होने के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने करंट अफेयर्स को भी वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, कोई भी स्कीम हो सकती है, वो नेशनल लेवल की हो सकती है, आपके कोई स्टेट लेवल की हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज GK अपडेट की जनरल नॉलेज। ठीक है, इन नेशनल इंटरनेशनल दोनों पे आपको नज़र रखनी है, किसी देश का इलेक्शन हुआ है वहाँ पे कौन जीता कौन हारा, तो उसको रिलेटेड कौन कौन सी पार्टीज थी वहाँ पे। ठीक है, तो क्या परसेंटेज वोटर रही है, सारी चीज़ें मतलब इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट इज करेंसीज होगी, करेंसीज होगी, कैपिटल्स भी पूछ सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंडिया के भी पूछ सकते हैं, इंडिया के मैक्सिमम पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं या कुछ हिस्टोरिकल मैन्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपसे, सॉरी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बुक्स एंड ऑथर से, बुक्स ऑथर अवार्ड से भी क्वेश्चन बनता है आपके पास इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इंडिया के कई जैसे हमारे पॉलिटिशियन से कोई बुक आ जाती है उनकी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गए हेडक्वार्टर्स हो गए, नेक्स्ट हो गए इंपॉर्टेंट डेज हो गए। ठीक है, RBI के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्कुलर्स, RBI सर्कुलर्स, नेक्स्ट आपके स्टैटिक बैंकिंग। तो ऑलमोस्ट आपके पास बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, जैसे मैं बात करूँ RBI, स्टैटिक बैंकिंग होगी आपकी। ठीक है, और आपके बैंकिंग बनने से तीन टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, बेशक आपके पास क्वालिफाइंग नेचर होता ही, बट इट इज इंपॉर्टेंट, एक एक नंबर पर आपको फोकस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें किस तरीके से आपके पास आ सकता है, देखिए अगर IBPS लॉ ऑफिसर 2024 की बात करूँ, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो आपका मेंस का एग्जाम होता है उसके बारे में भी बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कितने टाइम लिमिट क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे पास यही है कि टाइम लिमिट क्या रहने वाली है। सबसे पहले क्या है, बैंकिंग रेगुलेशंस की बात करेंगे, कंप्लायंस एंड लीगल एक्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, रेलिवेंट लॉज एंड ऑर्डर रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स, आपकी सिक्योरिटीज फॉरन एक्सचेंज हो गया। ठीक है, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, लिमिटेशन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, FACA एक्ट 2002 हो गया आपका, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हो गया आपका, लॉ एंड एक्शन विद अ डायरेक्ट लिंक टू बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग बुक एविडेंस एक्ट हो गया, और DRT एक्ट हो गया। इन सब के बारे में जानूंगा, अभी बताऊंगा कि क्यों BPDIA इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे क्यों BPDIA इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्या आपको मिल रहा है, क्यों बता रहा हूँ सारी चीज़ें मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं बात करूँ IBPS SO लॉ ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम पैटर्न, देखो प्रीलिम्स आपके पास ये रहता है। ठीक है, आपके पास ये रहता है, क्या होता है इसमें, अगर सेक्शंस की बात करूँ तीन सेक्शंस है, रीजनिंग हो गया आपके पास, इंग्लिश हो गया, और जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। मैंने अभी आपको बताया जनरल अवेयरनेस में तीन टॉपिक्स आपके थे, है ना, कौन कौन से थे टॉपिक्स, कौन कौन से, बैंकिंग अवेयरनेस, RBI सर्कुलर्स एंड स्टैटिक बैंकिंग। तो इससे यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस तो है, बाकी क्वेश्चंस भी आएंगे, बट स्पेशल रेफरेंस किसको है, बैंकिंग इंडस्ट्री को। तो बैंकिंग से काफी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में हमारे पास यहाँ पे पूछे जाने। ठीक है जी, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे जरा एग्जाम पैटर्न। देखो अब IBPS SO लॉ ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने पहले ही बताया तीन सेक्शंस इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आपका रीजनिंग का सेक्शन होगा, जिसका हम पूरे तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, फिर कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बट अब मैं सिलेबस डिस्कशन हो चुका, अब हम करेंगे एग्जाम पैटर्न की बात। तो रीजनिंग की बात करूँ, सबसे पहले सेक्शन है रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, और ड्यूरेशन कितनी है इसमें, इसमें 40 मिनट की ड्यूरेशन रही है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, 50
इसके अंदर 25 को आपके मैक्सिमम मार्क 25 रहेंगे, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, तो एक रीजनिंग के लिए एक क्वेश्चन का एक नंबर, और इंग्लिश के लिए ओपन ऑफ हाफ नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है। 40 मिनट मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब जैसे मैंने बताया था आरबीआई के एक्ट, आरबीआई आपके पास एक्ट्स हो गए हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो जो तीन टॉपिक मैंने पहले आपको बताए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, उन्हें अच्छे से कर लेना। ऐसी बात नहीं बाकी भी आएंगे, बाकी भी आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने हैं? 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 40 मिनट, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, 150 क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 125 मेरे पास मार्क्स हो गए प्रीलिम्स में, और तकरीबन 2 घंटे ने 120 मिनट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये प्रीलिम्स की बात मैंने पूरी तरीके से कर ली, ठीक है। चलिए आईबीपीएस लॉ ऑफिसर 2024 मेंस एग्जाम की अगर बात करूँ, सेकेंड स्टेज फोकसिंग स्पेशली ऑन द प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू लॉ, फॉर ईच रॉन्ग मार्क आंसर 1/4 शैल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी। 1/4 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें आपकी, ठीक है। चलिए अब आईपीपीएस लॉ ऑफिसर मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज का कितना क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स? 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 60 हैं। और टाइम ड्यूरेशन कितना? 1.5 घंटा यानी 45 मिनट। तो 60 क्वेश्चन, 60 नंबर और 45 मिनट आपको मिल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कहाँ से मेंस की तैयारी की जाए, कहाँ से इस प्रोफेशनल नॉलेज को लिया जाए, कहाँ से? यस, आपने सही पढ़ा, कहाँ से, हाउ, भाई एक ही मंच, कैसे हम जल्दी से तैयार कर सकते हैं सारी चीज़ों को? तो उसका आंसर है अभिपीडिया कोर्स। कौन सा कोर्स? अगर मैं बात करूँ आईबीपीएस एसओ लीगल ऑफिसर आपके मॉड्यूल कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और उसके बारे में जल्दी से आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। और सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा नहीं, सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए abhipeedia.abhimanyu.com चूज एग्जाम करेंगे, आपके पास आईबीपीएस पीओएसओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा वीडियो कोर्सेज के ऊपर, अब देखो यहाँ पे आ गया आपका लीगल ऑफिसर, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस लेक्चर्स, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में? सिर्फ 1500 रुपीज़ में, सिर्फ 1500 रुपीज़ में। अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, 66 वीडियो लेक्चर्स हैं, 48 PDFs हैं, और बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक लेक्चर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज के जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, देखिए क्या मिल रहा है, सारा का सारा RBI एक्ट, अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आपके पास सरफेई एक्ट, DRD एक्ट जो बेसिकली बताए गए थे, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, RTI एक्ट, उसके बाद कंपनीज एक्ट, ये सारे IBC एक्ट, ITA, लॉ ऑफ आपका लॉ ऑफ कॉर्स पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे के सारे टोटल कितने टॉपिक्स हैं, और अदर्स में भी 13 लेक्चर है, 25 आपके पास टॉपिक्स हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कितने? 1500 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ में। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी कभी ले लो, बहुत कम टाइम है, दिसंबर मिड में तो आपका एग्जाम ही है, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। थैंक यू।